देखी मैं कभी ऐसी बर्फ पड़ दी, और ये देखो पर नुकसान, इतने मोटे मोटे गोले गिरे पड़ते सीधे आर पार। नहीं नहीं बस एक बार लिए थे, सब दी मजीब का पछता रहा। दे ले, चल दे दे, कोई नहीं चल दे दे, बार बार निकलती करा कर दे। असली लिए फिर देखूंगा, ये यहीं तो ठहका दे दिए मेरे से, इनका क्या फायदा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। भाई आज तो ना हल्की फुल्की सी बारिश हो रही बाहर, और भाई और जो सचिन देसी है, रायन है और दलवीत है, भाई वे भी अपना आने लग रहे फॉरन से, आयरलैंड से चलने लग रहे भाई, और उनकी फ्लाइट है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ भाई जिस दिन मैं फ्लाइट में बैठा। एक तो पिछली बार भी आ रहे थे, मैं बारिश नहीं हुई थी स्टार्ट ना, पिछली बार भाई यहाँ पर थे तो बारसा ऑटोमेटिकली ही उसी टाइम पर स्टार्ट हो जा। तो भाई उन भाइयों को भी अपना सेफ हैव अ नाइस और सेफ जर्नी भाइयों के लिए, अपना बैठन लग रहे भाई जहाज में। और रात का मेरा प्लान रहेगा भाई, भाइयों को लेने के लिए जाऊंगा मैं भी अपना, जल्दी से अपना नहा दो वहाँ रेडी शेडी होगा भाई, यार खाना खुना खाया का, फिर मिलते हैं आपको आराम से। मेरे साथ देख भाई क्या बनी, दिखाऊं क्या बनी। पहले मैंने भाई यह बोली वॉच या पहननी या बंद, फिर मैंने दूसरी वाली ये वॉच, दोनों वॉच है भाई, भाई लेकर आया था आयरलैंड से, सच वो लेकर आया था भाई, ये भी बंद। मैं सोच रहा था मेरा टाइम आवेगा, मखा ये तो जा रहा हो तो वापस की तरफ बढ़ रहा भाई, मैं तो पता नहीं, एक तो बंदा तरक्की की तरफ बढ़ा, मैं तो ना बस क्या सिस्टम है यार, ये कोई टोना टाणा मेरा तो पता ही नहीं लग रहा है कुछ भी। और दोनों में ही सेल डलवाना पड़ेगा, कहता करूँ कि भाई गड़ी जो है ना उसका सेल डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब डोन तो हो जाए बट उसमें डलवा लेना चाहिए, बंद गड़ी अशुभ हो भाई घर में। ले भाई इन करूंगा पहले ठीक, मैं इन्हें चालू करूंगा, हाँ तब जाएगा मेरी लाइफ भी पटड़ी पा के चालू हो जाएगी एकदम, फिर देखिए मास्टर हम जाएगा। और भाई रैली में ना इस टाइम जो घर का माहौल है ना बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया है भाई, क्योंकि भाई आने लग रहा है, छोटा बेबी जो है भाई 3-4 साल का है, उसको खिलाने का इतना मन कर रहा है ना मम्मी डैडी, और बहुत ही एक्साइटेड है भाई सच में। और थारा भाई भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्यों, क्योंकि उसका भी गिफ्ट कुछ ना कुछ आगा भाई, मे बी एप्पल, मतलब मैं कुछ अपना सुने तो नहीं भाई, हाँ जो सुने हो ना, क्योंकि जो सरप्राइज हो ना वो सरप्राइज ही हो, जब आपको दिखेगा ना और मुझे ही दिखेगा वो अलग ही होगा भाई, है ना। और थारा भी बहुत एक्साइटेड है अपने छोटे भाई से मिलने के लिए, है ना बेटा। और गिफ्ट रायन छोटे बेबी का भी गिफ्ट लेकर आना, तो शाम को देखेंगे भाई, शाम को ये चीजें लेकर आएंगे अपना गिफ्ट भी। 2 hours later किसको पढ़ रहे हो, तुम्हारे वाला पकड़ के वहां तक के खाने होगा। ओ आज तो मास्टर के टिक्कियों वाले भी नहीं आने के, कोई नहीं बाहर जो लोग यही देख लो बर्फ। भाई आज तो ना सच में बता रहा बस मूड खराब हो गया। अम्मी ओ इतने पत्ते, वो देख रेडी देख पर रेडी पर यार। अच्छा ये देखो भाई, ये देखो बर्फ गिरी मास्टर के घर पर भाई, ये देखो बर्फ, ओ इतने सारे मियां, ये देखियो भाई, ओहो 2 घंटे पहले क्या भाई ये ओले गिरे हुए, और अब लग देख लो ये अभी तक पानी नहीं बने इनका, कितने ओले गिरे होंगे वो चीज देख लो। और दूसरी चीज दिखाने लग रहा है मैं, हो ये देखिए मैं ऊपर ऊपरली भी, ये देख भाई यहाँ ज्यादा गिरे कुछ ओले हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा, पहले भी देखिए इतने मोटे मोटे ओले कभी गिरे, इतने नहीं हुए ना, बहुत सारा बगल सारे थे सबका। अच्छा हमारे गांव में ही ज्यादा थे, वहाँ वीडियो में फिर बोलना तो पड़ेगा, मुआवजा भी तो लेना, हाँ जी भी तो मुआवजा मिलेगा भाई। ये देखो क्या हाल हो गया, ऊपर सारे में हो गए छेद, और ये देखिए सारा सेट भाई फट गया, ओहो बहुत बुरा हाल हो गया भाई। और बाहर मना पत्ते देखे भाई, गली में दिखाऊंगे एक बार पत्ते बाहर। अच्छा यार रेडी है, ओ ये देखो भाई गड्डी तैयार खड़ी, ये पत्ते सारे यहीं पर ही टूटे भाई, आम के हो गए और दूसरे नींबू नाम्बू के, ये सारे बस इनमें से इतने पत्ते झड़ गए। और बाहर का सीन दिखाऊं भाई एक बार, बाहर कितना पत्ता पड़ा वो भी दिखा दूं भाई, गली में अपने ही घर के बाहर, ये देखो भाई, ओहो हो इतना पत्ता भाई,
और ये देखो होड़े यहाँ भी पड़े भाई हैं, और पत्ता पत्ता पूरा छेद घेरा भाई। और टावर के साइड भी भाई ये देख अंदर बहुत होड़े पड़े भाई। यार फसलों का हाल क्या होगा भाई, वो तो समझती बाहर है। ये भी देख भाई चाचर की साइड इतना ओड़ा तो भाई मन्ना भी पहली बार ही देखा। जबरदस्त सर ऊपर वाला सेट दिखा दो भाई आपते, ये तो भाई मन्ना ये भी 2 महीने भी नहीं हुए। और ये देखो भाई ये भी सारा फाड़ गिरा है यार। बता आस पास कहीं नहीं है, कहीं भी इतना ओला नहीं गिरा भाई आस पास में जितना हमारे घर पे यहाँ पर हमारे आस पास के हमारे गाँव में गिरा। अच्छा मूड खराब हो गया भाई, खर्चा बहुत ज्यादा। और खेतों में फसल का क्या हाल होगा वो तो भाई अभी पता नहीं, फादर साहब जा रहे देखन, देख कहीं पता लगेगा भाई। पास वाला जो स्कूल है ना उसमें भी सारे में पानी भर गया, बड़ी अच्छी खासी बारिश हुई। और ये सर्दियों की पहली बारिश थी जिसने ही आते ही भाई फट्टे चक दिए। और पहाड़ों में भी इस हिसाब से ना बहुत बढ़िया वाली बढ़िया क्या खतरनाक वाली बर्फबारी हुई होगी भाई, जिस हिसाब से ओलावृष्टि हुई। ये देखो भाई पीछे जो अपना स्विच का ये लग रहा है ना कवर उतर का गिर गया, वो किस तरह ऊपर यहाँ पर ओला गिरा होगा भाई कहीं, और वो लग का यहाँ पर लगे होगा। और यो गिरा भाई नीचे ढक्कन, ढक्कन भी टूट गया मे नीचे गिरा, यही लगे है बता गरुड़ी ना पता भी नहीं भाई ओले पड़े क्या हुआ बाहर। ओ ये भी पड़े मे देखिए, ओ भाई साहब ओ हो ये भी टूट गया मिला बताओ। और देखिए सारे सौदे नवे आंगे भाई कैसी लगी फाइबर, ये नहीं लगाऊंगा क्या मैं दूसरी कैसी कर? और ये नहीं ठीक है ना ना। ओ, इसका खतरा सा बने रहा हुआ डर सा टूट जाए या कुछ भी और क्या हो सकता है। चिड़िया भी चढ़ जा आ, चिड़िया चिड़िया क्या कहीं आती वाकई में यार यहाँ पर क्या लगवाना चाहिए भाई। यानी कि यार बुद्धि सी टाइप पता नहीं यार कैसी यार महंगी इतनी थी भैया पता नहीं क्या करना चाहिए भाई। आप थोड़ा सा एडवाइस देना कि फाइबर नीचे भी है ऊपर भी है भाई क्या चीज़ यहाँ पर लगाई जाए। लोहे की थोड़ी मिचल जाएगी, लोहे की तो गर्म होगी फिर वह उससे भी बात बनने की भाई क्या सिस्टम होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा भाई। बताइए भाई जो आया समझ में इबनो ना कह दियो पल्ली टांग लो ओले पड़े पता देख लिया मन्ना देख लिया। और वाइफ का कहता भाई मन्ना एक छोटी सी वीडियो बनाई है ये बेचारी आई बना ना हर खांसी भी कर ली जुकाम भी कर लिया ये सीधी ओड़ो में ही बाहर निकल गई। वीडियो में कह रहा था यहाँ खड़ी होकर बना ले नीचा सीधी जाकर पटरे पर बजे फिर है तौर का बंदर रह गया भाई। सारे ही काम ऐसे हो रहे मारा तो यार पता नहीं क्या। ओ मासी पर बद गया काम देखिए मासी भाई पर लगा रही गली में अम्मी मासी भाई पर लगा रही गली में देखिए देखे भाई कभी लगते हैं अपने घर पे बनेगा आज साग सरसों का साग कौन सो बथुआ कौन सो ये वाला होगा। अच्छा ये बथुआ और पागल कौन सा पागल कौन सा ये क्या है ये कहाँ के ये नहीं था इसमें पालक तो अच्छा ये पालक है धनिया के पत्ते लहसुन के पत्ते ठीक ये सारी चीजों का मिक्सर हो भाई बहुत हेल्दी हो चना इतने सारे पत्ते इतनी चीजें गिरा तभी तो यो आयरन से भरपूर हो। और एक चीज और बताऊं भाई साग के बारे में कि साग ना गर्म करके नहीं खाना चाहिए उसमें ना आयरन की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाए जिसके कारण भाई जलन हुआ ज्यादा एसिडिटी बना ज्यादा गैस बना। तो साग जो है ना वो एक टाइम ही चलाना चाहिए समझ रहे हो। और मारा कितने दिन चला मी साग निकल कहाँ है रोटी सचिनर की ताऊर की तरफ भाई अभी पहुंचे नहीं तो अच्छा पहुंचे नहीं भाई अभी भाई। और अरे अम्मी मैं तो बताना भूल ही गया ये भी भाई का फोन आया था ना सचिन का हाँ बैठे जी भी तो आए बोले इतनी टूट फूट भाई साहब जहाज में बैठे हुए और जी भी गड़बड़ 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 गड़बड़ी कहा इतना भाई हम नहीं तो पार ओले बैठ रही भाई इनका ही हालो देख लो रे तो मजून जान में फलानी चाहिए बुझा सर्दी में गया है या थर अभी भाई हैं ओए नीचे बैठ जा पिटेगा आओ देख क्या हो गया वो देख क्या हुआ बारिश ने क्या कर बारिश ने सारी टीम तोड़ दिया आपकी ले मजा इन सब कुछ तोड़ दिया मैं तो कुछ मास्टर यूनिवर्सिटी जाएंगी
कुछ पूछा बर्फ कैसी लगवानी चाहिए और वहाँ कैसा सीन है गेहूं का नुकसान होया वहाँ भी खेत में मजा रहा बर्फ की है ये ओले नहीं पड़े ये बर्फ पड़ी भाई बहुत ज्यादा गर्मियों का काम हो गया कैसे बर्फ क्या है तो पिघल जाएगी बेटा थोड़ी टाइम में भाई ऊपर कभी सीन देखा क्या हुआ बच्चा पार्टी पर चढ़ रही बर्फ है इधर ही ना कहाँ गए डर गए बेचारों का कम पड़ी बर्फ आ रही है यार इनकी तो बच गई यार फाइबर हमारी एक बेटे कैसे फूट गई है क्या चक्कर है ये ओए मैं देख ले फिर पंगे ना यही था है ना ओ तो तुरंत मैं तो भाई ये गड्डी तो जेली पत्तों की भरका करते और ये देखो पर नुकसान कितना नुकसान करके चली गई भाई इतने मोटे मोटे गोले गिरे ऊपर से सीधे आर पार देखिए मैं कभी ऐसी बर्फ पड़ दी ना भाई कभी नहीं पहली बार ही है ठीक कैसी थी ओले बहुत ही ज्यादा खतरनाक भाई लो जी भाई हो गया अपने देसी घी मछू का हुआ और साग भाई मम्मी के हाथ का बनाया हुआ तो भाई अभी मैं तो पुरानी अपनी ड्रेस में आ गया क्योंकि जो जाने का प्लान है ना वो बनेगा भाई अपना सुबह की फ्लाइट है भाई अपना 5-6 बजे आ जाएंगे एयरपोर्ट पे तो हम लगभग आ गया बेटा आ गया 1-2 बजे में भी यहाँ से निकले तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई अपना सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे भाई और को लेने जाके भाई तो अगली वीडियो होगी इंटरेस्टिंग उसको मिस मत कर देना भाई तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।